अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं जी? ठीक हैं। आज फ्राइडे है जी, आई थिंक मेरे साथ डेट शायद 10th है। आज हम निकले हैं जैदान से जाने के लिए बॉर्डर पे। ओबियसली प्रॉब्लम सेम प्रॉब्लम, मेरे डीजल का प्रॉब्लम है ना। वहाँ जैदान में पेट्रोल डीजल चेक किया, वहाँ नहीं मिला। अभी हम वहाँ से होते हुए मोटरवे उतर के मीर जावा सिटी में आए हैं। और बिलीव करें, यहाँ पे वो हम ऐसे देखें जैसे कोई शिकार आ गया। और सब शक्ल पाकिस्तानी, कपड़े पाकिस्तानी वाले आते हैं, सब वही पाकिस्तानी स्टाइल वही, मगर ज़बान ही बोलते हैं। आपको सर उर्दू नहीं बोलेंगे। अभी एक पेट्रोल पंप पे आए हैं, जाएगा इख्तसामी खलीज फारस, इसका नाम है जनाब। अभी हमें पता नहीं यहाँ पे डीजल मिलता नहीं मिलता, क्या होता है। मेरे पास हाफ टैंक से लेस है, भाई के पास लिटिल क्वार्टर रह गया है। अगेन वही चीज़ है कि जब हम भाई नेक्स्ट डे पे आएँ तो अपने जो एक्स्ट्रा कैंस हैं वो टर्की से फिल करवाएं। आपको ईरान वाले डीजल नहीं देंगे। और अगर हाँ, अगर आप बॉर्डर ईरान पे आएँ, अगर वो आपसे कहें कि डीजल कार्ड बनाना है, तो मेक श्योर कि उनके पास आपको कार्ड दें। भाई ने डीजल कार्ड बनवाया, उनको सिर्फ उन्होंने दिया है, सिर्फ एक पेपर दिया है, पेपर से कुछ नहीं होता। आप मेक श्योर करें कि आप डीजल कार्ड लें, अगर वो दें तो, नहीं तो आप। मगर पहली बात वही है कि आप अपने जो एक्स्ट्रा कैन हैं आप टर्की से फिल करवा के हैं, इन पर उम्मीद नहीं, मतलब नहीं करनी। और पंजाबी में कहते हैं भी जागते रहना तो साढ़े तना रहना, ठीक है ना जी। तो ये कोई समझ नहीं आ रही कि अभी हमारा टाइम ज़्यादा हो रहा है। हमने 9 बजे पहुँचना था बॉर्डर पर, अभी 8:50 हो गए यहाँ पर। अभी आगे सफ़र आधा घंटा सफ़र और है, तो बस ये चक्कर है जी। तो ये वीडियो सारी मैं ऑब्वियसली रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी मैं पोस्ट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब और फेसबुक नहीं है। तो इंशाल्लाह जब क्वेटा पहुँचते हैं, जो अपना दूसरा फ़ोन एक्टिव करते हैं, फिर मैं ऐसे ऐसा ये लगाना शुरू करूँगा। चलिए जी, बहुत शुक्रिया। आपको लेटेस्ट अपडेट करते हैं जैसे हम पहुँचते हैं बॉर्डर पर। अल्लाह।